हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोटेक सेलेक्ट फोकस डायरेक्ट ग्रोथ जो है वो बंद हो गया है। बंद से मतलब ये है कि वो अभी मल्टी कैप में दोस्तों कन्वर्ट होने जा रहा है। आप चाहें तो दोस्तों अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इन सभी चीजों के ऊपर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे मांगना चाहता हूं माफी, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए काफी दिनों से वीडियोस लेकर नहीं आ पा रहा था। उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि दोस्तों मैं था कुछ ऐसी प्लेस पे जहां पे मैं आपके लिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था और घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन अभी दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक है, मैं ऐसी प्लेस में हूं जहां से मैं आपके लिए वीडियोस जो है वो शूट कर सकता हूं और दोस्तों मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड की टॉपिक के ऊपर आपके काम आने वाली वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हैं आप मेरे लैपटॉप के ऊपर और मुझे दोस्तों कोटेक की तरफ से एक मेल रिसीव हुई है, वो दोस्तों मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कोटेक की तरफ से आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो सेंड जरूर किया होगा, जिसमें जो है आपको पूरे रीजंस और पूरे रूल रेगुलेशन आपको यहां पर नज़र आ जाएंगे। आप यहां पर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो हम इसका जो मेन डॉक्यूमेंट जो अटैच आया है उस लेटर को ओपन कर लेते हैं। लेटर को ओपन करते ही आपको यहां पे वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट यू आर अकॉर्डिंग टू सेबी सर्कुलर, और ये लेटर नंबर ये दिया हुआ दोस्तों। और ये सारी चीज़ों के बाद जो मेन आपके काम आने वाली चीज़ है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। ऐसे पढ़ूंगा तो दोस्तों जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा लेटर है। मेन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोटेक सेलेक्ट फोकस जो है वो अभी चेंज होकर के आपको नजर आएगा कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड के अंदर, यानी कि ये जो फंड है वो मल्टी कैप के अंदर चेंज हो जाएगा दोस्तों आने वाले कुछ टाइम में। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दोस्तों ये जो एग्जिस्टिंग था ये एक ओपन एंडेड स्कीम था, और ये जिसमें ये चेंज होगा वो एक मल्टी कैप फंड होगा और वो भी एक ओपन एंडेड स्कीम होगा। उसके अंदर दोस्तों लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा और जो है स्मॉल कैप भी होगा। हर टाइप के स्टॉक में जो है वो इन्वेस्ट करेगा, तो सभी मल्टी कैप कुछ इसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। इसके अंदर भी आपको रेगुलर डायरेक्ट और सारे डिविडेंड और पे आउट इन सभी का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। और अगर थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर आपको और जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फंड होगा इसके अंदर आप जो है इनिशियली परचेज जो है नॉन SIP 5000 रुपीज़ की कर सकते हैं, एडिशनल परचेज जो है मिनिमम आप 1000 रुपीज़ की कर सकते हैं। SIP की बात कर ले तो इसके अंदर आप 500 रुपीज़ की SIP कर सकते हैं। बेंचमार्क जो होगा वो निफ्टी 200 का होगा। दोस्तों ये तो था प्लान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह। अभी दोस्तों मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये पूरा जो PDF फाइल है ये आपको ईमेल के अंदर आ गई होगी। अगर आपको नहीं मिली है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको इस पेज पे जो है आप पहुँच सकते हैं। तो चलिए इसको दोस्तों हम क्लोज करते हैं और आपको मेन चीज़ दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जो मैं आपको मेन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्लान से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक अपडेट है। ये वाली लाइन आप पढ़ रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। एज एन एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर अंडर द स्कीम यू हैव बीन गिवन एन ऑप्शन टू एग्जिट द स्कीम एट द एप्लीकेबल नेट एसेट वैल्यू विदाउट एनी एग्जिट लोड, यानी कि अगर आप इसमें से निकलना चाहेंगे तो आप बिना किसी एग्जिट लोड वगैरह के निकल सकते हैं ऑन सचेस्ट फॉर रिडम्पशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है बिटवीन 25 अप्रैल 2018 से लेकर के 24 मई 2018 तक आप जो है रिडम्पशन रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें वो मर्जी आपकी है। अगर आप इस प्लान के साथ में बने रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो हमारा कोटेक सेलेक्ट फोकस डायरेक्ट ग्रोथ था जो लार्ज कैटेगरी का फंड वो मल्टी कैप में भी चेंज हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बने रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो है ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप रहना चाहते हैं इस प्लान के साथ में तो आपको कोई भी एक्शन लेने की अलग से जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही वो बड़ी अपडेट थी जो कोटेक सेलेक्ट फोकस डायरेक्ट ग्रोथ है वो कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो आप अगर रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो है अभी मल्टी कैप में नहीं रहना है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी एग्जिट लोड जो है वो पे नहीं करने पड़ेंगे। उसके लिए जो डेट है वह मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन जो ये आई है ईमेल में अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इसको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों यही वो बड़ी अपडेट थी जो कोटक सेलेक्ट फोकस डायरेक्ट ग्रोथ है वो कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो आप अगर रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो है अभी मल्टीकैप में नहीं रहना है, तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी एग्जिट लोड जो है वो पे नहीं करने पड़ेंगे। उसके लिए जो डेट है वह मैं आपको बता चुका हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन जो ये आई है ईमेल में, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इसको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी टाइप की वीडियोज़ देखने के लिए अपना प्यार सपोर्ट मुझे देते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड की टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेकर आता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।